Hey, welcome back guys. Today in this video, we will briefly discuss the normal vaginal discharge. Everyone's know, सभी को पता है कि जो females होती हैं, उनको कुछ special days पर, कुछ विशेष समय पर जो vaginal discharge है, वो होना बिल्कुल normal है. But today in this video, we will discuss behind the scientific reason of vaginal discharge. कि ये vaginal discharge के होने की पीछे का विज्ञान क्या है, साइंस क्या है और ये कुदरत ने बनाया क्यों है. तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. जब कोई फीमेल पेशेंट या लड़की वाई डिस्चार्ज की कंप्लेंट के साथ आती है कि उनको वजाइना से योनि से सफेद पानी निकल रहा है, वाई डिस्चार्ज निकल रहा है, तो जब हम लोग एग्जामिन करते हैं तो वजाइना का जो अगला पार्ट है उसको बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं. आगे बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के दोनों साइड में फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ अंडेदानी होती है और इस साइड भी फैलोपियन ट्यूब होती है. यहाँ अंडेदानी होगी और दोनों ही अंडेदानी ऐसे बच्चेदानी से जुड़ी हुई होती हैं. अगर इस लड़की का पीरियड साइकिल रेगुलर है तो हर मंथ दोनों में से एक अंडेदानी से एक पका हुआ अंडा फूट कर इस फैलोपियन ट्यूब में आता है. मतलब एक पका हुआ अंडा फूटेगा और इस फैलोपियन ट्यूब में आएगा. अगर ये फीमेल अपने मेल पार्टनर के साथ में शारीरिक संबंध रखती है, इंटरकोर्स होता है इस टाइम पर, तो जो मेल पार्टनर है उसका स्पर्म इस फैलोपियन ट्यूब में भी आएगा और इस फैलोपियन ट्यूब में भी आएगा. अगर ये स्पर्म इस अंडे से मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज अंडा यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है और जो ये लड़की है या फिर फीमेल है ये प्रेग्नेंट हो जाती है. बट अगर इस टाइम पर कोई रिलेशन नहीं होता तो ये जो अंडा है फर्टिलाइज नहीं होगा क्योंकि इंटरकोर्स नहीं हुआ और ये अनफर्टिलाइज एग यूट्रस में ही जाता है और कुछ टाइम के बाद महिला को जो है पीरियड्स आ जाते हैं और ये अनफर्टिलाइज एग पीरियड्स की ब्लीडिंग के साथ महिला के शरीर से बाहर निकल जाता है. ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और इस प्रोसेस के कारण ही पीरियड साइकिल के कुछ दिनों पर कुछ विशेष रंगत और गंध के साथ में वाइट डिस्चार्ज का आना बिल्कुल नॉर्मल है. कब नॉर्मल है, वाइट डिस्चार्ज आता कहाँ से है, वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं. तो देखिए, हर किसी लड़की का पीरियड साइकिल भी अलग अलग होता है. लाइफ में किसी भी लड़की को जो पीरियड्स हैं वो पहली बार 12, 13 या 14 साल से आने स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि 45 साल तक आते हैं. 45 साल जो कि एक मेनोपॉज एज होती है, उसके बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं. इसके साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके पीरियड साइकिल की लेंथ भी अलग अलग होती है. तो मान लो कि ये डे 1 है और पीरियड साइकिल की लेंथ 28 दिनों की है, ठीक है. अब डे 1 से ये जो पका हुआ अंडा है ये अपना विकास करता है. जैसे जैसे ये बड़ा होता है वैसे वैसे एक हार्मोन को बनाना ये स्टार्ट करता है जिसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन. ये जो हार्मोन है जैसे जैसे इसका लेवल इंक्रीज होता है तो ये ब्लड में आता है और जो खून है वो सारे शरीर में दौरा कर रहा है. तो आप देखोगे कि ये डेज हैं और ये हम लोग अगर ईस्ट्रोजन का लेवल मान लें तो डे 1 से ईस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है. और जो पीरियड्स हैं वो यूजली फीमेल्स को 3 दिन, 4 दिन या कभी कभी 5 दिन या उससे ज़्यादा दिन भी रह सकती हैं. तो आप देखोगे कि ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कुछ टाइम तक तो कोई इम्पैक्ट नहीं करता है. लगभग अगर 28 दिन का पीरियड साइकिल है तो लगभग 8 से 10 दिन तक कोई असर नहीं करता. बट 8 से 10 दिन के बाद जैसे जैसे इसका लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे ईस्ट्रोजन लड़कियों के या फीमेल के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर, अंगों पर अपना असर डालना स्टार्ट करता है. और इस बात को खास तौर पर जो फीमेल का दिमाग है, दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो इस बात को लगातार मॉनिटर कर रहा है कि जो ईस्ट्रोजन है उसका लेवल कितना है. तो आप देखोगे कि जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ईस्ट्रोजन वाया ब्लड खून से सारे शरीर में दौरा कर रहा होता है. अब जो खून है वो सारे शरीर में दौरा कर रहा है तो ये अलग अलग अंगों पर जाकर अपना प्रभाव डालता है. खास तौर पर
ये जो बच्चेदानी का मुंह है यहाँ पर सर्वाइकल ग्लैंड होते हैं, ग्रंथियां होती हैं। ये एस्ट्रोजन इन ग्रंथियों को जाकर स्टूमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, और जैसे ये उत्तेजित होती हैं, जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये और ज़्यादा उत्तेजित होती हैं और कुछ विशेष प्रकार का द्रव निकालना स्टार्ट करती हैं। जब हम लोग इसको केमिकली एग्जामिन करते हैं तो इस द्रव में काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन होता है और काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। शुरुआती टाइम में ये जो फ्लूड है इसकी मात्रा 5 ml पर डे होती है 8 से 10 दिन में, बट जैसे जैसे इंक्रीज होता है आने वाले कुछ समय में इसकी जो मात्रा है वो 15 गुना ज़्यादा हो जाती है। और जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ये योनि से बाहर निकलता है। इसी को लड़कियाँ या फीमेल्स बोलती हैं कि उन्हें सफ़ेद पानी आ रहा है या फिर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। सो आप देखोगे कि जब ये अंडा पककर तैयार हो जाता है, यूजली जो अंडा है जब इसका साइज 18 से 20 mm तक हो जाता है तो ये पककर तैयार हो जाता है। अब इस बात को जो दिमाग है वो तो देखेगा नहीं कि अंडे का साइज कितना है, उसे सिर्फ एस्ट्रोजन के लेवल से पता लगता है कि हाँ अब अंडा जो है पककर तैयार हो चुका है। जैसे ही दिमाग को रिलीज होता है कि हाँ अब ये अंडा पककर तैयार हो गया है, वैसे ही ये जो दिमाग है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको बोलते हैं LH, लुटिलाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन भी खून में आता है और खून जो है सारे शरीर में दौरा कर रहा है, तो जब ये ओवरी तक आता है हार्मोन तो ओवरी को सिग्नल मिल जाता है कि भाई दिमाग ने इस हार्मोन को रिलीज कर दिया, इसका मतलब अब जो ये अंडा है इसको पालने की जरूरत नहीं है, पोषण देने की जरूरत नहीं है, ये पककर तैयार हो चुका है। और ओवरी इसको फोड़ कर इस फैलोपियन ट्यूब में भेज देती है। जैसे ये अंडा पककर फूटकर बाहर निकलता है उस दिन को ओवुलेशन डे बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब अंडा ये विकसित हो रहा था वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हो रहा था, बट जैसे ही अंडा फूटा वैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो गया। तो आप देखोगे कि जैसे ही ओवुलेशन होता है वैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल भी फॉल होता है, और उसके साथ में जो वाई डिस्चार्ज मैक्सिमम था वो डिक्रीज हो जाता है 2 से 3 दिन में। अब जब पीरियड आने वाला होता है तब भी एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है। अब इस बीच में अगर ओवुलेशन के टाइम जब ये अंडा यहाँ पर अवेलेबल था, अगर ये जो फीमेल है या लड़की है अगर इसने इंटरकोर्स किया था या रिलेशन बनाया था, तो अगर प्रेगनेंसी रुक गई होगी तो एस्ट्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज ही रहेगा पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पर। बट अगर कोई इंटरकोर्स नहीं हुआ, ये जो फीमेल है ये अनमैरिड थी, तो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज तो होता है बट डिक्रीज होकर महिला को पीरियड्स आ जाते हैं। अगर आपको इस पैटर्न के साथ में वाई डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो वाई डिस्चार्ज है लगभग लगभग 8 से 10 दिन पर वो आपको थिक होगा, वाइटिश होगा, जैसा फेविकोल होता है वैसा वैसा आपको वाइटिश कलर देखने को मिलेगा। उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, उसमें कोई आपको जलन नहीं होगी, उसमें आपको कोई इचिंग नहीं होगी। और जैसे जैसे दिन आगे बीतेंगे ओवुलेशन के टाइम, वैसे वैसे जो ये वाई डिस्चार्ज है वो थिन होता जाएगा और उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी, उसमें कोई ब्लड नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि ये जो वाई डिस्चार्ज है ये कुदरत ने बनाया क्यों है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इस वाई डिस्चार्ज के अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, खास तौर पर सोडियम क्लोराइड होता है, और जो सोडियम क्लोराइड है वो एक टाइप का नमक होता है। सो जो नमक है वो इस वजाइना के इन्वायरमेंट को नमकीन बनाकर रखता है, मतलब कि एल्कलाइन बनाकर रखता है। इस टाइम पर जो ये वजाइनल फ्लूड जब ये निकल रहा है, और अगर ये जो फीमेल है अगर ये इंटरकोर्स करती है, रिलेशन बनाती है, तो जो मेल पार्टनर है अगर उनके जो स्पर्म हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो इस इन्वायरमेंट के कारण, एल्कलाइन इन्वायरमेंट के कारण जो शुक्राणु हैं उनका जीवन काल ज़्यादा हो जाता है। यूजली जो वजाइना है उसका इन्वायरमेंट 3.8 से 4.5 पीएच मान तक रहता है, मतलब कि एसिडिक रहता है, मतलब कि खट्टा रहता है, उसमें खट्टापन रहता है। जैसा एक टमाटर का खट्टापन होता है वैसा ही सेम इस वजाइना का इन्वायरमेंट रहता है, और एसिडिक इन्वायरमेंट में जो स्पर्म हैं वो ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह सकते। तो कुदरत ने ऐसा फ्लूड बनाया जिससे स्पर्म ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकें, ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम हो सकें।
साथ ही इस फ्लूड के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्रोटीन होता है, जिससे स्पर्म को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, और जो स्पर्म हैं यहाँ से बच्चेदानी के मुंह से होते हुए ईजली ऊपर तक अपनी जर्नी को पूरा कर सकती हैं। अगला जो बेनिफिट मिलता है वो ये कि इस फ्लूड के कारण जो वजाइना है वो वेट रहती है, गीलापन रहने के कारण जो अगर इंटरकोर्स होता है तो उसमें कोई इंटरनल इंजरी नहीं होती है और कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, बट अगर वजाइना ड्राई रहेगी तो आपको इंजरी हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अगला, ये जो वजाइनल फ्लूड है एज ए लुब्रिकेट का काम करता है और जो इंटरकोर्स होता है वो पेनलेस होता है। इसके साथ ही काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हर पीरियड साइकिल में ये वजाइनल फ्लूड वजाइना से बाहर निकलता है, तो इसके साथ में जो वजाइना के डेड सेल हैं, जो हानिकारक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो शरीर से बाहर निकलते रहते हैं लगातार हर पीरियड साइकिल में, तो वजाइना खुद को क्लीन करती है और आपको इन्फेक्शन से बचाती है। अब कई फीमेल्स की ये कंप्लेंट रहती है कि हमें तो इस पैटर्न के साथ में वाई डिस्चार्ज होता ही नहीं है। तो देखिए, जो दूसरा नॉर्मल कंडीशन होती है वो ये कि वजाइना का जो ओपन एरिया होता है, इस एरिया पर बार्थोलिन ग्लैंड होते हैं दोनों साइड में, और जब ये लड़की सेक्सुअली एक्टिव होती है या फिर इसको सेक्स करने की इच्छा रहती है, तो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के कारण भी वाई डिस्चार्ज सफ़ेद पानी को निकालता है, और ये जो सफ़ेद पानी है एज ए लुब्रिकेशन का काम करता है। मतलब जब भी फीमेल में काम उत्तेजना ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वाई डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। अगर आप इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता लग सके कि वजाइनल डिस्चार्ज के पीछे की साइंस क्या है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।